भाई ओहो टक टक बहुत ऊपर चला गया। Let's go. Yeah. Good morning guys. भाई हम जा रहे हैं अजमेर क्योंकि आज है डिम्पी का एग्जाम। सुबह सुबह का मौसम है और जल्दी हम निकले हैं भाई अजमेर के लिए। तो मेरे साथ है डिम्पी और टुक टुक। हाय टुक टुक। हाय गाइस। हाय डिम्पी। हाय गाइस। बंदी तो पड़ रही है भाई, जबरदस्त ठंड पड़ रही है भाई और सुबह सुबह निकले हैं तो खतरनाक कोहरा हो रहा है, सन बिल्कुल भी नहीं निकला है। गाइस कोहरा देखो भाई, कितना भयानक कोहरा हो रहा है। हम अजमेर में एंटर हो चुके हैं और डिम्पी का सेंटर कुछ ही देर में आने वाला है। भाई टुक टुक को छींक खा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई कोहरा है ना गायब हो चुका है और धूप आ चुकी है तो मौसम काफी साफ हो गया, ये एक अच्छी बात है। यही है? हाँ यही है, मेरा सेंटर मिल गया 111 रूम नंबर में। ठीक है, है ना? आ, एंट्री चालू है? हाँ एंट्री चालू, वो मैम कर रही है। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। खाना खा लेना जस्ट, वहाँ अभी डाडा खिला देंगे, इसका खाना ही है ना। हाँ मैं खिला दूंगा, जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बाबा। थैंक यू बेटा। कल टुक टुक के नाक के यहाँ पर लग गई थी भाई, ये देखो इसने क्या किया, वो बाम की डिब्बी पूरी यूं सूंघने की कोशिश की नाक में और यूं दबाया तो यहाँ पे इसके वो तीखी तीखी उसकी किनोर होती है, उस किनोर की भाई यहाँ पे लग गई और यहाँ पे स्किन छिल गई इसकी, ये देखो तो निशान हो गया इसके बच्चे के। सो गाइज हम जा रहे हैं भाई बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ पर बालाजी का मंदिर एक्चुअली, और भाई मैं कभी नहीं गया हूँ और टुक टुक भी कभी नहीं गया तो हम दोनों आज पहली बार जा रहे हैं बजरंगगढ़। आना सागर है इसके पीछे की तरफ और आना सागर के पास में एक छोटी सी हल्की सी माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर है बजरंगगढ़ का टेंपल बजरंगबली का, इसीलिए इसको बजरंगगढ़ कहते हैं। और थोड़ी सी स्टेप्स है उधर नीचे से हम आए और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो भाई हम आ गए बजरंगगढ़, सामने टेंपल है, ये है भाई बजरंगगढ़। और बजरंगगढ़ के इधर पीछे देखो पूरी आना सागर झील है, बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई। ये आना सागर के घाट है, ये देखो बोट जा रही है। हाँ बोटिंग भी हो रही है, वो देखो फेरी चल रही है, सामने दिख रहा है आइलैंड, वो देखो पिछली बार आए तो अपन वहाँ गए थे ना। हाँ याद आ गया, वो ऐसे रखी, वो पहले भी रखी हुई थी वहाँ पर, किसी रस्सी से बांध रखा है। हाँ काफी शानदार जगह है, छोटी सी पहाड़ी पे है लेकिन काफी अच्छी है। और अभी हमारा दर्शन हो गया, पीछे देखो आना सागर दिख रही है आपको, दर्शन तो हो गए हमारे। और भाई अब हम टुक टुक को खाना खिला देता हूँ। कितना बड़ा पानी, कितना सारा फैला हुआ पानी, उधर तारागढ़ है लेकिन कोहरे की वजह से दिख ही नहीं रहा, वो तो गायब हो गया। बजरंगगढ़ की जो स्टेप्स है, वापस हम नीचे जा रहे थे और इसको यहाँ पर कुछ पत्थर के घर बने हुए दिख गए तो इसने बोला भाई मैं भी घर बनाऊंगा पत्थर का। अरे 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 आराम से जमाओ। गाइज हम आ चुके हैं भाई सुभाष उद्यान में, बजरंगगढ़ से बिल्कुल पास में नीचे सुभाष उद्यान है और इसके अंदर भाई एक ट्रेन है, छोटी ट्रेन है टॉयज वाली जो बच्चों के हिसाब से ठीक रहती है। हमारी ट्रेन चल चुकी है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ट्रेन में सफर कर रहा हूँ मैं, हालांकि आवाज बहुत कम आ रही है क्योंकि गाने चल रहे हैं। भाई कब से जिद कर रहा है मुझे इसमें जाना है, हाई जंप में। ओहो टक टक बहुत ऊपर चला गया। डिम्पी तो एग्जाम दे रही है और मैं भाई टुक टुक को इधर सुभाष उद्यान के अंदर ट्रेन में ले गया, अभी हाई जंप में ले गया और अभी बच्चा हमारा ट्रम्पलिन में देखो जंपिंग कर रहा है। तो भाई टुक टुक का एक राउंड होने के बाद टुक टुक दोबारा दूसरा राउंड जा रहा है, ये भाई जिद कर रहा है मुझे एक बार और जंपिंग में जाना है। फिर से पहना रहा है इसको बेल्ट और खींच कर रखो। हाँ ऐसे क्या बात है, अरे भाई डरता ही नहीं है बच्चा। सो गाइज भाई टुक टुक को ट्रेन में और जंपिंग में ट्रम्पलिन में सब जगह घुमा दिया। ये है गाइज सुभाष उद्यान।
ट्रेन में, जंपिंग में, ट्रम्पलिन में, गार्डन में, सब जगह इसने खूब मस्ती की और बच्चा भाई थक चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस। कैसा लगा टुकटुक? अच्छा लगा, मैं थका नहीं हूँ। थका नहीं है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा लगा, लेकिन ये थका नहीं है भाई। गाइज भाई हम आ चुके हैं डिम्पी के सेंटर के बिल्कुल सामने और अभी हम वेट कर रहे हैं डिम्पी का आने का और अभी बचे हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद डिम्पी की छुट्टी हो जाएगी, तब तक हम भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं 5 मिनट का। डिम्पी की छुट्टी हो चुकी है भाई, वो देखो आ चुकी है बंदी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। तो गाइज डिम्पी आ चुकी है। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा। वो आलू मटर की सब्जी है, पराठा है, रोटी है, नमकीन है और गाड़ी में बैठ के हम खाना खा रहे हैं क्योंकि ये लंच टाइम हो गया भाई हमारा। एग्जाम दिया वहाँ पर, बहुत ठंड थी, ठंड की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, बाकी पेपर काफी अच्छा हुआ। खाना पीना हो चुका है हमारा और हम रवाना हो चुके हैं वापस। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़। दम हो गया पूरा नीचे। कैसे बैठा था ये? क्या इसका मोती ढूंढ रहा था? अरे यार ढूंढने ऐसे गिरते हैं ब्रेक, ऐसा लगता है आप ऐसे उल्टे खड़े रहते हो ना, पीछे जाओगे सिर नीचे पैर ऊपर। भैंस आ गई, भैंस। एक जब भी अजमेर जाते हैं और वापस आते हैं तब हम यही सोचते हैं कि मसानिया भैरव जाएंगे, लेकिन हर बार हम लेट हो जाते हैं, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जाना होता नहीं है। लेकिन आज काफी अच्छा मौका है हमारे पास क्योंकि भाई डिम्पी का पेपर दिन को ही खत्म हो गया और अभी दिन का टाइम है, तो काफी अच्छा मौका है हमारे पास मसानिया भैरव के दर्शन करने का। तो अभी हम जा रहे हैं राजगढ़ मसानिया भैरव। हरा भरा, बहुत ही प्राकृतिक और काफी खूबसूरत रास्ता है भाई मसानिया भैरव जाने का। वहाँ रेत के टीले भी हो। गाइज यहाँ पर एक दरवाजा आया भाई, देखो एंट्रेंस गेट है, बहुत ही पुराना एक गेट है ये, इससे हम आगे जा रहे हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं भाई मसानिया भैरव राजगढ़, ये है मंदिर, दर्शन कर लेते हैं। गाइज मसानिया भैरव के दर्शन हो गए भाई और मंदिर के वहाँ पर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब बिल्कुल बंद कर रखा है, तो हम वहाँ पर ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन मसानिया भैरव के हमारे दर्शन हो गए और दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस। तो गाइस, सो गाइस डेडा आ चुके हैं घर पे। सो गाइस मैं आ गया हूँ मेघू के पास। हाँ फ्रेंड्स, डेडा घर पे आ चुके हैं और घर पे आए तो मैं कहीं गई हुई थी तो मैं आ गई दीदा के पास। तो सो गाइस है ना, डिम्पी का पेपर देके आ गए। आप दोनों ने जीजा का पेपर थोड़ी दिया, जीजा ने दिया पेपर, आप तो स्कूल पे पहुंचाने गए जीजा को। कोई माला नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे, नथिंग एट ऑल। ऐसा मंदिर अगर आप चढ़ाना चाहो नहीं चढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं चढ़ा, कुछ भी नहीं, अगरबत्ती नारियल कुछ भी नहीं, पैसा 1 रुपया पैसा डालना है नहीं और लिख रखा बड़े बड़े अक्षरों में। हर मंदिर के बाहर आपको माला प्रसाद नारियल की शॉप तो मिलेगी मिलेगी, वहाँ एक शॉप नहीं थी, सिर्फ कचौरी पकौड़ी और हरी सब्जी ये थी। फिर हम लोगों ने पूछा तो बोलते हैं वो लोग कि यहाँ कुछ नहीं चढ़ता है, ऐसा मंदिर था। I'm gonna take shots if I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic.